देखो वेक्टर आपने जो पढ़ा वीडियो लेक्चर मतलब जो भी आपने वीडियो देखा उसमें किसी को कोई है ना प्रॉब्लम थी? नो सर। ठीक है अब सर देखो। हाँ बोलो बेटा। सर आपने एक मुझे क्वेश्चन दिया था ना सर, आपने उसमें हाँ वो सर सेकंड लेक्चर के पार्ट वन में सर वो डॉट प्रोडक्ट से पहले, तो यस सर यस हाँ बोलो। सर रुक जाओ मैं बता। सर वो आपने कहा था सर उसमें जो ए वेक्टर है सर, ए वेक्टर मतलब बी वेक्टर से छोटा है सर, लेकिन मेरे हिसाब से जो सर जो बी वेक्टर है वो सर ए वेक्टर से छोटा है। देखो मोड होगा इसलिए जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं मोड लगा देते हैं, चाहे ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो आंसर वही होता है। मोड के अंदर हम बात करते हैं ना। ओके सर, मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव ही रहती पॉजिटिव ही है। होती है ना, तो प्लस ए प्लस ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। मोड का मतलब है बस पॉजिटिव नंबर बाहर लेना है आपको, मैग्नीट्यूड लेना, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है अच्छा, यूनिट वेक्टर में किसी को कोई डाउट है? नो सर। आगे समझ में, यूनिट वेक्टर का काम है टू प्रोवाइड डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या काम है इसका? टू प्रोवाइड डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन हम करते हैं कि कोई पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ठीक है ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट। एक क्वेश्चन करिए। ठीक है, कोई पार्टिकल 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया एंड 20√2 है ना, या क्वेश्चन हम अच्छा सा नंबर ले लेते हैं ताकि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, 10√2 मीटर ईस्ट साइड में मूव किया एंड 20√2 नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया एंड 30√2 मूव किया वो साउथ वेस्ट में, कौन से डायरेक्शन में? फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। आप सबको एक और म्यूट करके म्यूट कर दीजिए। सर प्लीज आप एक बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता दीजिए, मैं भूल गया। नहीं बेटा ये नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन आया बेटा समझ में सबको? यस सर समझ में आया। यस सर क्वेश्चन तो आया। यस सर अब इसको सॉल्व करते हैं ना, इधर ध्यान से रखो। जैसे ये हमारे एक्सिस है, ठीक है एक्सिस बना लेते हैं हम, ये हमारा एक एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, या फिर हम दोनों ही एक्सिस ले लेते हैं एक्स और माइनस एक्स, तो ज्यादा बेटर रहेगा है ना। ये हमारे दोनों एक्सिस हो गए है ना, एक्स और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन ये वाला दिया है आपको, ये वाई एक्सिस है मतलब ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये होता है वेस्ट है ना। अब फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट दिया है 10√2 टाइम्स ईस्ट, मतलब 10√2 मतलब यहाँ पे आ गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10√2 ना, 10√2। 20√2 नॉर्थ मतलब यहाँ पे कितना है? 20√2। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ना, अब साउथ वेस्ट किधर होगा? अब देखो अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, शिफ्ट भी हो सकता है कहीं पर, तो हमें फाइनल लोकेशन मिलेगी क्या? नो सर। एग्जैक्टली फाइनल लोकेशन हमें नहीं मिल सकती, ये तो इधर कहीं भी हो सकता है, हम एग्जैक्टली नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, हम एनालिसिस नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं ना। तो देखो ईस्ट को हम लिख सकते हैं 10√2 टाइम्स आई कैप, यस क्योंकि ये वाला डायरेक्शन आई है। इसको हम लिख सकते हैं
20 रूट टू जे कैप, जे कैप ठीक है, और इसको हम लिखेंगे 30 रूट टू। अब आई लिखें या जे लिखें ये चीज हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर। क्या यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। आई बस उनमें, तो देखो हम एक अलग से डायरेक्शन ले लें, एक मीटर का हमने कोई भी वेक्टर ले लिया, कितने मीटर का? एक मीटर का, एक मीटर का। तो इसके देखो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला एंगल 45 होगा, साउथ वेस्ट है तो यस सर, तो ये हो जाएगा 1 cos 45, और cos 45 के लिए होती है 1 बाय रूट टू, तो हो गया 1 बाय रूट टू माइनस जे कैप, क्लियर है। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, साइन, साइन 45 होगा yes. तो 1 साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू भी 1 बाय रूट टू होती है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय रूट टू आई। तो इस डायरेक्शन का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर हमें मिला वो क्या मिला, ध्यान से देखो, वो मिला हमें माइनस 1 बाय रूट टू आई केप माइनस 1 बाय रूट टू जे केप। ये चीज आई समझ में? यस सर। अब हमें डायरेक्शन वाली चीज सर समझ में नहीं आई सर, आप एक बार और बता दो। देखो बेटा हमें क्या लेना था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेना था, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमें पता है और डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का हमने क्या लिया, यूनिट वेक्टर। तो देखो ऐसे हमने साउथ वेस्ट ये वाली साइड होती है ठीक है, और ये वाला एंगल कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है यस सर। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला कितना आएगा, ये वाला cos 45 ठीक है, ये वाला कितना होगा बेटा, cos 45 होगा, तो 1 cos 45 yes, और cos 45 की वैल्यू 1 बाय रूट टू होती है, तो 1 बाय रूट टू, लेकिन ये कौन सी साइड है, माइनस जे, तो ये देखो माइनस जे लिख दिया हमने है ना। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, साइन कंपोनेंट होगा, साइन 45, 1 यस सर, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट टू, तो 1 इंटू 1 बाय रूट टू है ना, तो कितना होगा, वो भी कितना होगा, 1 बाय रूट टू और माइनस आई कैप जे कैप, हाँ माइनस आई कैप है ना, तो यही बन गया। यस सर। आपका यदि इसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देखना है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 रूट टू टाइम्स माइनस 1 बाय रूट टू आई कैप, 1 बाय रूट टू आई कैप माइनस 1 बाय रूट टू जे कैप, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, माइनस 30 आई कैप ठीक है, और कितना होगा, माइनस 30 जे कैप, जे कैप। सर इसका आंसर बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा मेरा। सुनो सुनो गलत आ रहा, सुनो सुनो इसको हटा दो, ये चीज हटा दो, 10 ले लो ठीक, अब आएगा अच्छा आंसर। सर अब तो मेरा आंसर आया उससे लेके 10 रूट के अंदर 10 माइनस 18 क्या आ गया बेटा। अब इसको लेके आप सॉल्व कर लो, अब तीनों को ऐड कर लो, तीनों क्वांटिटीज को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो किसको किसको ऐड करना है, फर्स्ट वाले डिस्प्लेसमेंट को, सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को और थर्ड वाले को, थर्ड वाले। तो आंसर कितना है देखो, 10 आई प्लस 20 जे माइनस 30 आई और माइनस 30 जे, तो देखो कितना होगा, ये आई में से आई गया तो कितना बचा सर, माइनस 20 आई, माइनस 20 आई, और इसमें से बचा माइनस 10 आई, माइनस 10 जे, ये आपका हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट ठीक है। ओके सर। अब इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालो के अंदर स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 10√5 आ जाएगा। डायरेक्शन देखनी है, 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, perpendicular upon base minus 1 by 2 है ना, sorry plus 1 by 2, आ गई बात समझ में? ओके सर ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम समझ में आया, यही हमारा इम्पोर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर यदि आपको लेना हो तो कोई भी वन मैग्नीट्यूड का ले लो। अब देखो इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर का 1 है, तो इससे हमने यदि इसको 30√2 को मल्टीप्लाई किया तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, ओनली क्या प्रोवाइड किया उसने, डायरेक्शन प्रोवाइड किया, डायरेक्शन प्रोवाइड करी, तो इसलिए यूनिट वेक्टर का काम है टू प्रोवाइड डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज किए बिना डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। आ गई बात समझ में? ठीक है यस सर।
तो अब ऑब्वियसली हम यदि हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो देख लो जे में कितना है, 10 है, मतलब 10 जे यहाँ पे होगा, ठीक है, कहाँ गया कर्सर यार, हाँ ये रहा, मिल गया, हाँ ये रहा मिल गया है ना। देखो हमें क्या देखना है, मान लो यार क्या हो गया, और ये वाला 20 है, तो आपका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये आ जाएगा, क्लियर है, ये आपका फाइनल वेक्टर हो गया, क्लियर है, जो फाइनल होगा वो ये वाला रहेगा, क्योंकि इसमें कितना रहेगा, 10 जे रहेगा और -20 i रहेगा, मतलब ये वाला रहेगा, क्लियर है, तो इससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, लेकिन हम एनालिटिकली इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम समझ में आया सर, ठीक है, कि हम हाँ, अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो वेक्टर कब चेंज होगा है? जब डायरेक्शन चेंज वेक्टर को रोटेट कर दिया जाता है, हाँ रोटेट करेंगे, क्योंकि रोटेट करने से डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, बाकी फ्रेम चेंज करने पे कोई चेंज नहीं होता, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि चेंज हमेशा सेम होता है चाहे किसी भी फ्रेम में आप मेजर करो, क्लियर है, यस सर। सेकंड क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बताओ, बता सकते हो सर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ कैसे सर, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे, हाँ परपेंडिकुलर होंगे, आंसर क्यों, रीजन सर, क्योंकि सर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, मतलब सिमिलर ही आएगा, क्योंकि ए और बी वेक्टर ही, तो परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन है, सिमिलर आएगा, मैं जवाब बताऊं, हाँ बिल्कुल सर, हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मतलब एक ऐसा ही है सर, जैसे कि अभी हम लोग एक ले लेते हैं 10 और 10 ले लेते हैं, हम लोग कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं परपेंडिकुलर, तो सर जब उनका हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे उनका आएगा 10√2, जब हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे, अब हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो भी आएगा 10√2, लेकिन अपने माइनस एक्स डायरेक्शन में, हम लोग उनके बीच में एंगल देखेंगे 45 + 45 आएगा, जो कि 90 डिग्री आ गया, इससे वो 2 हो गया, बिल्कुल सही है, लेकिन अपन एक जनरल लेके चलते हैं, अपन क्या करते हैं जनरल, जैसे देखो बेटा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, क्लियर है, इनके बीच का एंगल कोई भी आपने ले लिया थीटा, कितना ले लिया थीटा, अब दोनों इक्वल हैं तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो इनके बीच में रहेगा नहीं रहेगा, यस सर, जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच में रहेगा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, क्लियर है, अच्छा अब रिजल्टेंट किसकी साइड होगा, दोनों के बराबर साइड में रहेगा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, अब हमें दोनों का डिफरेंस देखना है, मतलब a माइनस बी देखना है, तो माइनस बी वेक्टर किस साइड आएगा सर, इसके अपोजिट बी वेक्टर के अपोजिट वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो माइनस बी वेक्टर इधर आएगा, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड आएगा, आएगा नहीं आएगा, यस सर, अब ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, यस सर, हां सर, तो ये वाला कितना आएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 आएगा, हाफ, यस सर, देखो ये टोटल कितना आएगा, देखो वापस से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छे कलर में, देखो बेटा ये ये वाला एंगल टोटल कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा सर, ये 180 माइनस, तो ये वाला क्या होगा, उनका हाफ होगा कि नहीं होगा, हाफ होगा, तो हाफ कर दो इसका, तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, अब ये एंगल देखो, ये थीटा बाई 2 है और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री हो गया, प्रूफ, समझे, यस सर, नहीं समझे, चलो सर आपने ये वाली डीबी पे नहीं भेजी, अरे यार ये मॉड्यूल के ही तो क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था कि भाई तो सर ये क्वेश्चंस मॉड्यूल के ही है, सर एक्सरसाइज 2 सर, एक बात मैं पूछूं, एक्सरसाइज 3 का भी एक क्वेश्चन बता दोगे, हाँ अब एक मिनट सब बता देंगे, देखो बेटा ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा बाई 2 होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर, नहीं है सर,
ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अब इनका डिफरेंस देखना है, तो माइनस बी वेक्टर इस साइड आएगा। यस सर। तो अब ये वाला एंगल कितने का होगा सर? 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा रहेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। यस सर। तो इसका हाफ एंगल पे आएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर? 90 माइनस थीटा बाय 90 माइनस थीटा बाय 2। अब ये वाला एंगल देखना है हमें, तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखो 90 माइनस थीटा बाय 2 और ये थीटा बाय 2, दोनों को सम कर दो। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, थीटा बाय 2 और 90 आ जाएगा। हां, तो आंसर कितना हो जाएगा? 90। मतलब क्या होगा सर? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर है? चलो थर्ड, व्हिच कंडीशन सर? वैसे अगर देखा जाए तो सर एक फॉर्मूला भी है सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? लेकिन सुनो, उससे आप करोगे तो उसमें थोड़ा सा समस्या ही आएगा। आई और जे के टर्म्स में होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा सर। लेकिन अगर वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब उनका कॉस कंपोनेंट जीरो, वो कॉस कंपोनेंट 90 होगा, तो उसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। नहीं नहीं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर देखो बेटा, इसमें क्या बोला है? ए माइनस बी वेक्टर, जैसे कोई ए वेक्टर है, इसमें से हम ऐसा माइनस करें कि आंसर बी वेक्टर की साइड आए। यदि हमने कोई आड़ा टेढ़ा वेक्टर माइनस किया तो रिजल्टेंट उनके बीच में आएगा। लेकिन yes, sir, आएगा। आपको क्या करना है? ऐसा माइनस करता है कि उसी की डायरेक्शन में आए रिजल्टेंट। इसका मतलब है कि वो क्या है? दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, पैरेलल, हाँ, मतलब एंटी पैरेलल। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। या फिर पैरेलल टू बी कब आएगा? ठीक है, B के पैरेलल कब आएगा? जब A कंपोनेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये भी केस हो सकता है, A कंपोनेंट जीरो हो जाए या दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। ठीक है, ये समझ नहीं आया, आप एक और बार समझा दोगे? सुनो बेटा, कोई क्वांटिटी X, ये A माइनस B वेक्टर इधर है। ठीक है, मान लो कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी A वेक्टर इधर है, इसमें से ऐसा वेक्टर माइनस करना है कि उसका डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में हो रिजल्टेंट। तो ऑब्वियसली आप उसी डायरेक्शन में माइनस करोगे, तभी तो रिजल्टेंट उसी साइड बचेगा। यदि कोई अपोजिट साइड वाला तो उस साइड बचेगा। चाहे इधर का माइनस कर दिया तो रिजल्टेंट तो फिर अलग हो जाएगा ना बेटा। यस सर, वो बीच में से निकलेगा। ओके सर, तो वो उसके अपोजिट होगा। ठीक है, समझ गए। उसी के बीच में, उसी के अलग होना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो कोई कराने की जरूरत नहीं, वेक्टर के इक्वल वेक्टर ही होगा, है ना? Yes, sir. वाला भी? सर, हाँ? सर, मेरे को इसमें डाउट है एक्चुअली। इसमें ना इन लोगों ने कौन सा सर, ये जो फोर्थ वाला है, हाँ? सर इसमें इन लोगों ने दिया विच आर द फॉलोइंग आर रॉन्ग, और सर इन लोगों ने इसमें ए बी सी दिया है, और सर तो सी तो करेक्ट है, रॉन्ग कैसे दे दिया? नहीं नहीं नहीं, ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, वो थोड़ा हो गया होगा टाइपिंग में। ठीक है, चलो हाँ, अब देखो ये वाला फिफ्थ वाला क्या होगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब फाइव के कौन कौन से कंपोनेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो यदि फाइव के यदि हम कंपोनेंट करते हैं, ठीक है, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा, तो उनका रिजल्टेंट ये मिलना चाहिए। यदि ये एक्स है और ये वाई है, तो हमें ये बोल सकते हैं कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम इस गिवन क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। होना वो चीज किसमें पॉसिबल है? बस इस वाले में पॉसिबल है। ठीक है, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं बताने की जरूरत है। ठीक है, रिजल्टेंट है ना, गेट अ रिजल्टेंट 10 मीटर टू वेक्टर परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलरली है ऑब्वियसली। कौन से उसे यदि फॉर्मूले से करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। जीरो, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 आएगी, 90। ठीक है, जीरो आएगा ना। ठीक है, सेवंथ वाला भी हो जाएगा, 90 वाला सेट कर रहा है ये, है ना? सर आपने डीडीटी सेंड किया है? नहीं किया। ठीक है बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था मॉड्यूल के। ठीक है, ओके सर, ये मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है आपको जो दिया है उसी के। ठीक है,
ये क्वेश्चन कर लोगे तो मैं एक और डीपीपी दूंगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार के डाउट आउट नहीं बताऊंगा, है ना, वो खुद से करना है, तो पहले ये कर लें। अच्छा ये वाला मैंने, ये वाला क्वेश्चन करो, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स आर डबल, ठीक है, ऑफ आइदर ऑफ फोर्स एंगल बिटवीन देम। मतलब जो रिजल्टेंट है, जैसे ए वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से क्या है, डबल है, तो एंगल कब होगा सर? जीरो डिग्री से। जीरो डिग्री पे पॉसिबल होगा, ठीक है, जब दोनों सिमिलर डायरेक्शन में लग रहे होंगे। हाँ ठीक है, इक्वल फोर्स है, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों का एंगल सेम है, तभी सी कितना होगा, 2x होगा। कब होगा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? 2x हो सकती है, ठीक है। ये वाला मैंने सॉल्व करवा दिया था सर, yes, sir, ये वाले में डाउट था सर, इसका आंसर मेरे साथ सर मेरा 20 आ रहा था। इसका सॉल्यूशन दिया तो है बेटा सर, आपने करा तो था सर, सर आपने वो रिकॉर्डिंग करा तो सर, लेकिन 20 आ रहा था सर, क्योंकि मैंने मतलब ऐसे लेकर चला सर, क्योंकि वो जो ए था वो बड़ा आ रहा था। एक यदि 20 था तो दूसरा कितना आया तेरा? क्या सर? पहला निकाल लो, दूसरा भी निकाल लो, जो स्मॉल हो वो सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे ए और बी दोनों निकाल सकते हो, दोनों फोर्स मिल जाएंगे, ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, जो मिनिमम वाला होगा वो आंसर है, तो मिनिमम आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब देखो टू वेक्टर c² = a² + b² + 2ab फर्स्ट चीज से कर सकते हैं ना, नाइंथ वाला सर? हां सर यही वाला बेटा, देखो उसी से होगा शायद, कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहां टू अननोन्स है। कितने अननोन्स है? टू अननोन्स है, a और b दोनों अननोन है, a और b दोनों अननोन है, तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिएगी? टू इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इसलिए एक हमें बनेगी मैग्नीट्यूड से और एक बनेगी डायरेक्शन से। सर आप नाइन्थ वाला एक बार समझा दीजिए। बेटा क्या बोला है कि टू फोर्सेस हैं हमने लिए, ठीक है, कोई भी ए ले लिया और एक बी ले लिया, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो किसी स्मॉलर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, स्मॉलर के परपेंडिकुलर लिए, मतलब किसके परपेंडिकुलर, हमने क्या लिया, ए वेक्टर को स्मॉल लिया है, क्लियर है। अब ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 150 डिग्री, ठीक है, तो अब आपको ए और बी फाइंड करना है, क्लियर है। सर पर उसमें तो दिया है कि जो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस है वो एक 150 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, रिजल्टेंट टू फोर्स एट एन एंगल इज 150 डिग्री इज 10, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी बेटा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर है। yes, अब लेकिन यहाँ पे टू अननोन से, ए भी अननोन है और बी भी अननोन है, तो टू अननोन के लिए आपको टू इक्वेशन चाहिए, तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी ये दिया हुआ उन्होंने परपेंडिकुलर, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, नहीं बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, फिर तो रट लिया है। हाँ ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर कब होगा, देखो ये टेन थीटा 90, टेन थीटा की 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, कितनी होती है, इन्फिनिटी। अब ये दो केस में इन्फिनिटी हो सकता है, यदि ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए या फिर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो, कौन सी पॉसिबल है? ये वाला तो ये वाला तो 90 इन्फिनिटी पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि साइन थीटा 0 टू 90 होता है और बी कितना भी बड़ा हो जाए, है ना, इन्फिनिटी तो नहीं होगा, तो फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगी कि a माइनस बी कॉस थीटा क्या है, जीरो, तो यहाँ पे a और b में रिलेशन मिलेगा, उसको यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। ये भी है a प्लस बी का वेक्टर, a माइनस बी, अभी उसी टाइप का किया तो एंगल पाई बाय टू होगा, है ना, पाई बाय टू। हाँ अच्छा ये बताओ इलेवंथ वाला सर, 11th वाला? हाँ 11th वाला थोड़ा सा डिस्कस करो, बताओ सर, 3 मेरे हिसाब से सर, 3 नहीं नहीं, इसका आंसर है 4 होगा, क्यों होगा, उसका रीजन देखो, उसका अपन क्या देखते हैं, रीजन, ठीक है। पहली बात तो ये अनइक्वल लेना है, पहली बात क्या है, अनइक्वल, इक्वल नहीं ले सकते,
ठीक है। यदि आपको एक ले लिया दूसरा उसके अपोजिट ले लिया तो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब आपने लिया मान लो इक्वल नहीं लिया है ना, अनइक्वल लेना है, तो यदि एक एक्स डायरेक्शन में एक जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, अब इनको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपने माइनस किया, लेकिन ये कैसे है, कोप्लेनर ही हो गए ना, ये एक्स और ये वाई, तो ये रिजल्टेंट तो जीरो हो गया, लेकिन ये भी किस में, एक्स वाई प्लेन में है। तो आपको यदि कोई प्लेन में जेड प्लेन में जाएगा तो इसको वापस भी लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। मेरी गंदी सी शक्ल दिख रही है? यस सर, दिख गई? गंदी शक्ल नहीं है सर, दिख तो रही है लेकिन गंदी नहीं है, वो ये गंदी शक्ल नहीं है। चलो देखो बेटा, अभी मान लो तीन वेक्टर हमने लिए, इनका रिजल्टेंट जीरो कब होगा, जब ये ट्रायंगल बन जाए। यस सर। अब इसको चाहे हम ऐसा देखें या ऐसा देखें, कैसा भी देखें, ये तीनों कोप्लेनर ही है, तीनों एक ही प्लेन में है ना। यस सर। चाहे हम इसको ऐसा देखो, एक ही प्लेन में है ना ये तो। अब यदि हमें इसको कोप्लेनर नहीं बनाना है तो एक को यदि हम दूसरे प्लेन में लेके जाएंगे, एक ऐसे उल्टा कर दे, नहीं जैसे मान लो दूसरे प्लेन में लेके गए तो एक दूसरा वापस लाने वाला भी तो चाहिएगा ना, तो ये ऐसे होगा। आई बात? अच्छा सर, समझे समझे। यदि तीनों प्लेन को यदि आपको जीरो करना है तो देखो तीनों को मिला दो, लेकिन तीनों मिलाओगे तो रहेंगे तीनों एक ही प्लेन में। तीनों क्या है, एक ही प्लेन में। यस सर। यस सर। अब यदि इनको प्लेन, हाँ, अब यदि आपको कोप्लेनर हटाना है, इसको ऊंचा ऊपर बना दिया तो ऊपर से नीचे लाना है, तो एक भी आ गया उसमें, जेड भी आ गया, तो एक और, हाँ, तो एक जेड को माइनस करने वाला भी तो चाहिएगा ना एक। यस सर। तो सर अगर ये सारे अनइक्वल होंगे। हाँ अनइक्वल भी लोगे, सुनो जैसे एक ये रखा हमने, एक देखो, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर ले लिए, क्लियर है? यस यस सर। दिख रहा है? अब यदि आपने तीसरा ये लिया, एक ये लिया, क्लियर है? हाँ सर। इसको अपोजिट करने के लिए क्या होना सर, एक और, एक को ये होना चाहिए है ना। यस सर। सबसे पहले तो दो की बजाय तीन हाथ होने चाहिए, ठीक है। अब यदि हमने इसको ऐसा बना लिया, यदि तीन वेक्टर से हमने जीरो कर लिया तो ये तो क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए ना। यस सर। तो सर इसमें ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई होगा? ट्रायंगल लॉ, तीनों का सम जीरो। नो सर, अगर हम कोप्लेनर ना करें तो। बेटा कोप्लेनर नहीं करें तो आपको किसी से स्टार्ट होके वापस घूमते हुए चले जाओ, नेट फोर्स को जीरो कर लो। ओके सर। और सर उसके लिए चार लगेंगी। हाँ तो उसके लिए चार लगेंगे, आ गई बात समझ में, क्योंकि एक यदि जेड में गया तो उसको वापस लाने वाला भी तो एक चाहिएगा ना, जो एक्स वाले वापस लिया है। हाँ क्लियर है? तो इसलिए आंसर कितना होगा, फोर। फोर ठीक है। अच्छा ये वाला क्या है, ए एंड बी लाइन इन अ प्लेन, अ थर्ड वेक्टर लाइन द आउटसाइड द प्लेन। अच्छा इनका कभी भी जीरो हो सकता है क्या सर? कैन नेवर बी जीरो। नेवर बी जीरो, तो सर बिना देखे कैन नेवर बी जीरो। हाँ क्यों, क्योंकि देखो दो तो एक प्लेन में, ये आउटर प्लेन में गया सी, तो एक वापस लाने वाला भी तो चाहिएगा ना। ठीक है यस सर। जो क्या करेगा, सी के मैग्नीट्यूड को जो जेड डायरेक्शन में गया उसको माइनस जेड करेगा, तो आंसर क्या होगा, कैन बी जीरो। अब ये इस वाले से आप देखो ऊपर वाला भी समझ सकते हो, ये टू प्लेनर है, तीसरा यदि अपोजिट प्लेन में गया तो जो चौथा होगा वो उसको वापस लेके आएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर कितना होगा, फोर होगा। ये वाला तो कोई करवाने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। देखो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है सेवन, सर बिटवीन वन एंड सेवन, वन और सेवन की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। अब देखो ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, दोनों कैसे होंगे, अपोजिट आएंगे, ठीक है सर। इसको माइनस प्लस करके देखेंगे, ये माइनस करेंगे तो मिनिमम वन आ रही है, मैक्सिमम सेवन आ रही है। हाँ ठीक है, अगर ये डॉट होते तो हो जाते सर। डॉट नहीं, क्रॉस में क्या होगा, एंगल कितना होगा, पाई होगा, ठीक है, पाई मतलब 180। क्यों होगा, समझ में आया नहीं आया बताऊं? सर आ गया। देखो इधर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, क्लियर है, ये ए और बी है,
ग्रीन वाला ए है, तो ए की तरफ हाथ किया और बी को समेटते हुए पकड़ लिया, तो कहां मिला आपको ए क्रॉस बी, ऊपर की तरफ मिला। यस सर। अब बी और क्रॉस ए, बी की तरफ किया और ए को समेटते हुए पकड़ना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए कहां मिला, नीचे नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, कितना हो गया दोनों का एंगल, कितना हो गया 180 डिग्री, 180 हो गया, ठीक है 180 का, हाँ दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। चलो 15th वाला क्या है, 5 equal force 10 newton applied at a point the angle between the equal resultant zero, सबको बराबर बराबर एंगल पे लगा देंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाता है जीरो। अच्छा कितना होगा यदि 5 लगाए तो सबके बीच का एंगल कितना कितना होगा, 72 हाँ। चलो 16th वाला करो, 16th का आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ सर चेंज इन वैल्यू, मार खाओगे ऐसा, फिर जीरो आएगा, पर जीरो आएगा सर, जीरो क्यों आएगा, मार खाओगे, ठीक है जीरो नहीं आएगा सर, वेलोसिटी चेंज होती है हर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में, ये है। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे हमने बोल दिया 150 आई कैप, कितनी होगी आई कैप, हाफ रिलोशन के बाद यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ कितनी होगी, -250 की है जे कैप आई कैप, अबे आई कैप होगी ना यार, तो चेंज कितने का होगा, तो चेंज बताओ कितने का होगा, चेंज क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना होता है फाइनल वैल्यू, 500 क्लियर है। चलो इसके क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बताओ, यदि मैं क्वार्टर रिवॉल्यूशन पूछता हूं यहां पे, हाफ की जगह क्या होता क्वार्टर, तो मैग्नीट्यूड कितना होता सर, 350 √2 गुड है ना, तो यहां पे पूछते तो ये होता है ना, तो ये कितना होता 250 जे कैप, तो आपका जो चेंज होता, चेंज होता फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 250 है ना, 250 जे कैप माइनस 250 आई कैप, ये होता आपका चेंज इन वेलोसिटी है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता 250 √2, क्लियर है, समझ में आया, यस सर, आ गया सर, आ गया। ध्यान रखो वेलोसिटी है जीरो, कौन बोल रहा था, किसी ने बोला था सर, आपने बोला था ना, तो किसी और ने, दो बच्चों ने भी बोला था मेरे बोलने से नहीं, जो सही है वो सही है, ठीक है सर, मैंने बोला था कैसे आया जीरो, हाँ ठीक है, ये वाला देखो उसी का एग्जांपल है, कोई ट्रक है वो 150 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है बेटा, 150 से, ठीक है सर, 150 या 50 ले लो यार, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में सर, वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट कौन सी होती है, माइनस आई कैप, हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी होगी, 50 माइनस 50 आई कैप, एंड ट्रेवल द सेम स्पीड, ट्रेवलिंग ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ में फिर और सर फिर एक वेस्ट में, इनिशियली जा रहा है वो नॉर्थ में, मतलब 50 जे कैप में जा रहा है, और फाइनली कहाँ गया, वेस्ट में, मतलब VF कितनी होगी, -50 आई कैप, क्योंकि वेस्ट वाली साइड है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो सर चेंजिंग फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस सर 50 √2 नॉर्थ वेस्ट सब भी ऑप्शन हो जाएगा, रुको माइनस 50 जे कैप, ये है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 50 √2, डायरेक्शन देखो दोनों माइनस में है, आई भी माइनस में है, जे भी माइनस में है, तो ये वाला डायरेक्शन होगा, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ वेस्ट, ये होगा 50 √2 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट, आई बात सुन, कौन बोल रहा था नॉर्थ कुछ भी मत बोलो, ठीक है फिर क्या ये वाला तो हो जाएगा बेटा, आप उसको डायरेक्टली एड करते जाओ, उसको डायरेक्टली क्या करो, एड करते जाओ, जैसे कोई पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है अप, ठीक है जैसे अप क्या बोला है, I started वॉकिंग डाउन अ रोड और डे ब्रेक फेसिंग द सन, है ना, After walking some time, I turned my left. अब आप initially कौन सी direction में जा रहे हो? East में जा रहे हो? हाँ, East में जा रहे हैं initially, East में।
अब ईस्ट में जा रहे हैं और लेफ्ट साइड टर्न हो गए, तो ईस्ट में जा रहे हैं और लेफ्ट साइड टर्न हो गए, मतलब किधर की साइड टर्न हो गए, नॉर्थ साइड, ठीक है, नॉर्थ साइड जा रहे हैं और आपने राइट टर्न ले लिया, तो वापस कौन सी साइड हो गई, ईस्ट, ईस्ट, ठीक है, तो अब फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट साइड जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये समझना कि आप नॉर्थ साइड जा रहे हो तो लेफ्ट साइड कौन सा होगा, राइट साइड कौन सा होगा, ये आप समझना, ठीक है। अच्छा, 19th वाला हो जाएगा, yes. ये जो मैंने बताया था उसके जैसा ही है जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का यूज किया है, yes, sir. सर बताया था, हो जाएगा, उससे करना है ना। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वन is double the another vector perpendicular to smaller one forces angle between them, ठीक है, ठीक है, ये वाला कर लोगे नहीं करोगे, करो एक बार ट्राई, हो जाएगा, अभी ऐसे ही आपने करवाया था, ठीक है, जो उस टाइप का करवाया था उसी टाइप का ही है, ठीक है, आपको देखो वहां पे बोला था कि परपेंडिकुलरली दिया हुआ था, तो वहां पे आपको मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे जहां मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंगल पूछा है, कोई भी इक्वेशन सेम ही बनेगी, ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो बता देंगे। 21 का क्या होगा, रुक जाओ, सर, अच्छा सर, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको चिंता मत करो, देखो एक स्मॉलर वन हमने ले लिया, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, डबल है, तो इसका मैग्नीट्यूड डबल है, ठीक है, इसका यदि हमने ए लिया तो ये हो गया 2a, ठीक है, और जो रिजल्टेंट मिला है, रिजल्टेंट मिला है हमें कैसा, परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वन, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, तो देखो अब ये है a, ये है आपका 2a, और ये वाला एंगल है 90 और ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, अब यहां पे एक इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहां पे आप टेन अल्फा लिखो, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताओ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये वाला एंगल दिया है कितना 90, 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट कब होगा, जब ये वाला इनफाइनाइट हो, ये वाली वैल्यू या ये जीरो, जीरो, तो आपको ये वाली जीरो पॉसिबल है, ऊपर वाली तो इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, मतलब a प्लस बी कॉस थीटा आपका कितना है, जीरो है, a वाला जो है ये a है, ये b वाला क्या है, डबल है ना, तो वहां a प्लस बी को कितना लिख लिया, 2a cos थीटा इक्वल टू कितना मिला आपको, जीरो, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, जीरो, पगला पगला गए हो, हाँ सर, सर कितना मिलेगा, जीरो, अरे यार इसको सॉल्व करो ना यार, 120 आता है, 120 इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये वाला इधर आएगा माइनस ए होगा, तो 2a cos थीटा इक्वल्स टू माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू आएगा -1/2, और -1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 120 का, क्लियर है, जीरो कौन बोल रहा था, सर मैंने बोल दिया था, मैंने बोल दिया था, ठीक है, अच्छा 21 क्या होगा ये बताओ, 10 अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3, और बेस कितना है 2, तो एंगल कितना होगा, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस बोल रहा है, बिल्कुल y एक्सिस से पूछ रहा है, ये वाला क्या पे, ये वाला निकलता बेटा x एक्सिस, सर 10 टू द पावर -1 2/3, ठीक है, तो आपको ये वाला निकालना है, ठीक है, तो ये वाला आंसर कितना होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर 2 होगा और बेस 3 होगा, ठीक है, तो 10 इनवर्स 2/3 होगा, हमेशा याद मत रखना, हमेशा देखना किसके साथ एंगल निकालना है, उस चीज का भी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो
परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है? वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो देख लो, ठीक है। और ये इस चीज में तो देखो डायरेक्टली देख सकते हो, आई और जे, तो ये के वाला तो ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही होगा ना। यस सर, ठीक है। बाकी इसके प्लेन में भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, जैसे एक वेक्टर ये, तो प्लेन में भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं ये, है ना, ये दो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं। लेकिन यदि प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो तो वो तो फिर बहुत सारे वेक्टर होंगे जो इसके क्या हो, प्लेन के ही परपेंडिकुलर होंगे। कुछ भी के ले लो वो हमेशा परपेंडिकुलरली होगा, है ना। यस सर। 23 में कोई समस्या? उसमें सर वो आ जाएगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना, क्लियर है। 24 सबसे अच्छा है। 24 में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आ तो गया था, मैंने बोला आ गया। हाँ, सबको आ गया। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत इजी है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी है, कर लोगे? यस सर। 25th सर, 27 समझा दो। अच्छा 27, देखो ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? वन है। एंगल बिटवीन देम स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर होता है। कब? जब 2π/3 होता है। 2π/3 का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब हुआ हमारा 120। तो हमें पता है कि यदि सेम मैग्नीट्यूड है ना, यदि ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन को यदि हम 120 डिग्री पर रखते हैं, तो रिजल्टेंट भी हमें कितना मिलता है सर? 10 न्यूटन ही मिलता है। ये चीज हम बता चुके हैं, और यही बोला था ये वाला स्पेशल एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये चीज बस इसी एंगल पर पॉसिबल होती है ना। तो देखो यदि ए और बी यूनिट वेक्टर है और उनको यदि अपन ने 120 डिग्री पर रखा, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 10 न्यूटन। ये 1 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, दोनों को 120 डिग्री पर रखा, तो रिजल्टेंट कितनी होगी? 1 न्यूटन ही रहेगी। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो, a माइनस बी यूनिट वेक्टर देन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो ये वाला भी सही है। जैसे देखो a वेक्टर ये, b वेक्टर ये है ना, यदि a और b, ठीक है, a और b के बीच का एंगल कितना है? 60। तो ये वाला b है ना, A और B के बीच का एंगल कितना है? 60। तो माइनस B और A के बीच का एंगल कितना होगा? 120। तो इनका रिजल्टेंट भी 1 पॉसिबल है या नहीं है? यस सर है। वाला भी पॉसिबल है, ठीक है। 3/4 का मतलब कितना होता है? लिखा है इज आर ट्रू। हां, इसका क्या, C का क्या है? ऑब्वियसली 45 पे तो आप कुछ 90 डिग्री पे कुछ भी कर लो, रिजल्टेंट सेम नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दोनों एंगल तो 90 है, तो आंसर कितना होगा? ए भी सही है और बी भी सही है। ओके सर। और सर डी वाला तो वैसे ही गलत है। हाँ, डी वाला तो 90 है, 90 पे कैसे हो सकता है? यही बस 120 है सर। ये बस 120 पे पॉसिबल है, वो हमने प्रूफ भी किया था। 120 कहां से आया था? तो 45 है ना, 90 कैसे? हां बेटा, डी वाला 90 है इसीलिए तो पॉसिबल। ये वाला देखो 90 तो है यार, हां मतलब 45 है, तो 45 पे तो पॉसिबल नहीं होगा। यस सर, वही मैं कह रहा था, 90 कैसे हो जाएगा? हां ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपका ये वाला देखो, इसके ला, ठीक है, क्लियर है ये वाला? ये तो वेक्टर होना ही चाहिए, है ना। एक्सरसाइज 3 का भी आप बता देंगे क्या? हाँ, ये भी देखो, ये वाला क्लियर है? 28 दो मिनट। हाँ सर, ये तो ऐड कब करोगे? जब दोनों सेम नेचर की हो, एक स्केलर और वेक्टर है, तो हम ऐड नहीं कर सकते। ऑप्शन बी। हाँ
नहीं तो वो तो करा दिया आपने ओके ठीक है। a डिवाइड बाय m पॉसिबल है बट नॉट m a सर m a सर d सही होगा ना दोनों चीजें पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है ठीक है क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नीट्यूड को आप किसी भी में मल्टीप्लाई कर लो जैसे 6 आई कैप है इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई भी कर दो या 10 का डिवाइड भी कर दो कोई फर्क पड़ रहा है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्केलर को तो हाँ वेक्टर का डिवाइड करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उस तरह का कुछ है ही नहीं ठीक है ये वाला तीनों वेक्टर ही होना चाहिए ठीक है यस सर ए वेक्टर हमेशा बी प्लस सी वेक्टर के इक्वल ही होगा। अब आपका 30 वाला मतलब जो आपका एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन था ये वाला देखो सर बी सही होगा ना ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर से हमेशा बड़ा होगा क्योंकि सर हमें ये तो नहीं पता यस सर सी सही होगा इस क्वेश्चन में देखो इधर ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है ठीक है इनको एक फॉर्म में अरेंज करो पहले ट्रायंगल बनाओ इन तीनों से मिला के ट्रायंगल बनेगा इन तीनों से मिला के नहीं बनेगा नो सर बनना चाहिए यार ये बनेगा ना ये सी है और ये बी बनेगा है डॉट ए बन रहा है ए वेक्टर ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है ठीक है मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू किसके इक्वल है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल ठीक है हमेशा इक्वल ही होगा ना बेटा मैग्नीट्यूड जरूर हम बोल सकते हैं लेकिन वेक्टर फॉर्म में तो इक्वल ही होगा ना सर। अब देखो टू वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड एंगल थीटा डायरेक्शन सर मैं एक बात बोलूं हाँ सर ए वेक्टर हमारा 8 है और सर बी और सी हमारा 3 और 5 है सर जब 3 और 5 को जब मैक्सिमम 8 पे ले जाना होगा तब हमें उन्हें स्ट्रेट लाइन में करना होगा 3 प्लस 5 अच्छा, तभी 8 होगा हाँ मैंने मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड नहीं देखा तो ए वेक्टर बड़ा होगा मेरे से ए वेक्टर आपका कितना है ए वेक्टर 8 है 8 है सर और ये बी और ये सी है ठीक है तो बेटा बी और सी का सम 8 के इक्वल ही तो आ रहा है नहीं सर ये देखो सर कैसे लगे हुए हैं अगर 8 होते तो होता हां ऑब्वियसली सही बोल रहे हो ठीक है कि ये वाला कब पॉसिबल होता जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होते है ना ये कब पॉसिबल होता जब कैसे हो तीनों स्ट्रेट लाइन में होते ये 3 होता ये 5 होता ये 8 न्यूटन होता तो ऑब्वियसली इनका सम 8 होके 0 हो जाता मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता लेकिन अब ये वाला क्या है छोटा है ना यदि मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए क्या बोला इन्होंने यार सर b प्लस c आपका 8 नहीं आ पाएगा तो छोटा ही है क्योंकि सर उसकी मैक्सिमम लिमिट है और a वेक्टर हमारा 8 है तो b होगा a वेक्टर इज ग्रेटर देन b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्योंकि इनका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी और ये किसी एंगल पर है तो 8 पॉसिबल ही नहीं है इसलिए 8 वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा है ना क्लियर है यस बी वाला सही है 30 वाला देखो थोड़ा सा सोचो करते हैं मिलके सर ये बस घुमाने के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दीजिए सर वरना इजी अलग ही लग रहा था मैंने बस डायरेक्शन ही देखा मुझे लगा डायरेक्शन से हो जाएगा बस ठीक है टू वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइन एट एंगल थीटा कीप द डायरेक्शन ऑफ वन फिक्स रोटेट बाय थीटा नाउ द रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड देखो बेटा ये एंगल थीटा है ठीक है ये मान लो ए वेक्टर है इक्वल है ये वालो एक्स है ये भी एक्स है तो इनका रिजल्टेंट भी बोला है एक्स है रिजल्टेंट भी कितना है एक से चलो मान लिया ठीक है अब इन्होंने बोला कि इसको हमने कितना थीटा डिग्री और रोटेट कर दिया तो अब ये चीज पॉसिबल कब होती है जब दोनों इक्वल हो 120 पे 120 पे अब इसको 120 डिग्री और रोटेट कर दो 120 और रोटेट कर दिया 240 तो अब ये वाला एंगल कितना बच गया 120 बन गया तो रिजल्टेंट भी कितना रहेगा एक सी रहेगा ना नहीं समझे समझ गए ना कि टू वेक्टर्स थे ठीक है अब इन ठीक है इक्वल वेक्टर्स थे और उनके बीच का एंगल भी कितना है थीटा है ठीक है तो इसको प्रूफ करना ये तो हमने आंसर से चेक कर लिया क्लियर है ये हमने क्या किया आंसर से चेक कर लिया अब इसको रियल में कैसे प्रूफ करोगे
तो देखो इनको आपको ये करना पड़ेगा, c वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक किया? ठीक है, अब ये एंगल थीटा c वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, हाँ c वेक्टर का स्क्वायर है ना, ये किया। अब ये एंगल हमने इसको रोटेट कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 120 नहीं सर, इक्वल एंगल थीटा भी करेगा ना, तो ठीक है, हाँ, तो टू थीटा होगा, हाँ, तो टू थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस टू थीटा, तो इक्वल टू एक और डी वेक्टर को इसके इक्वल कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 360 माइनस टू थीटा। क्लियर है, 360 माइनस टू थीटा कितना होगा, हमें थीटा नहीं पता, तो कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस टू थीटा होता है, ठीक है, और दोनों को इक्वल करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, टू ए भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर, इसको प्रॉपर सॉल्व करें, कैलकुलेशन वाइज नहीं होगा, यस सर, इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्क्रीन बना करके, एक वेक्टर ये दिया है बेटा आपको और एक वेक्टर ये दिया है, हमें नहीं पता कोई कोई भी अननोन वेक्टर है ना, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आ गया रिजल्टेंट ब्लू वाला, ठीक है, कितना होगा बताओ, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, इनको थीटा डिग्री और रोटेट कर दिया, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, हमने ए वेक्टर को और कितने डिग्री रोटेट कर दिया, थीटा डिग्री, कितना रोटेट कर दिया, थीटा डिग्री, थीटा, तो अब ये जो एंगल बचा वो कितना बचा सर, 360 माइनस 360 माइनस 2 थीटा, अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो था डी वेक्टर, कितना था, डी वेक्टर, डी वेक्टर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा, तो cos 360 माइनस 2 थीटा क्या होता है, cos 360 माइनस थीटा तो लास्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, चेंज cos चेंज नहीं होता, cos चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा, तो कितना रहेगा, 2ab cos 2 थीटा, आ गई बात समझ में, अब दोनों को इक्वल कर दें, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब ये वाला कब पॉसिबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन देखो cos थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, थीटा तो बनाना पड़ेगा ना, टू थीटा को थीटा से तो नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसा फॉर्मूला हुआ करता, फॉर्मूला हुआ, अब कॉस थीटा को एक्स मान लो, कॉस थीटा को क्या मान लो, एक्स, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है, तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, अब इसको आप जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व करो, तो x इक्वल टू माइनस बी, माइनस कितना होगा, प्लस 1 होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac कितना होगा, 8 डिवाइड बाय 2a, तो डिवाइड बाय कितना हो गया, 4 हो गया सर, इसके सॉल्यूशन आए 1 और -2 अपॉन, तो 1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 4,
तो कितना कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और माइनस लोगे तो -1/2। ठीक है, तो एक आंसर हो गया cos थीटा इक्वल्स टू, अब देख लो तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 है, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री, और एक cos थीटा इक्वल्स टू कितना है, -1/2, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, आ गया सॉरी, हम लोग याद रखें कि 120 पे होता है। ठीक है, क्लियर है, आ गया, तो आंसर नहीं मैच कर रहा ना अपना, 120 आया ना, वही हम इसकी और सिंपलीफाई करेंगे ना सर, थीटा सर 120, पर नहीं ऐसा तो नहीं कह रहा कि सर, मैं अपना कैमरा दिखा रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ सर, ऐसे दो वेक्टर्स को ले लिया गया, एक को इस तरीके से रोटेट किया दिया गया पूरे के कैप की डायरेक्शन। एक मिनट, कहाँ से दिखते हैं तुम्हारे चेहरे सर, देखो देखो, स्टॉप करना पड़ेगा सर, पिन कर लो, स्क्रीन शेयर ऑफ करके अथर्व को पिन कर दो। अच्छा हाँ, कैसे, वही तो किया हमने, थीटा रोटेट, नहीं, ऐसे नहीं रोटेट करेंगे यार, ऐसे नहीं, ऐसे में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ऐसे तो फिर हम कितना भी एंगल रखें, वो एक प्लेन से देखेंगे तो एंगल उतना ही रहेगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक, तो सर 180 माइनस, तो आंसर हमारा कितना आया, एक तो जीरो आया cos 1, cos 1 का मतलब 0 डिग्री है, और एक और कितना है 120 डिग्री है। ठीक है सर, एक और बात बोलूं, हाँ सर, दो वेक्टर्स के सबसे पास वाले एंगल को हम लोग लेते हैं, तो एंगल को ही तो 120 को लेंगे ना। अच्छा हाँ है ना, तो 60 आ जाएगा, यदि टू वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल कितना है 120 है, तो इन्होंने शायद, ठीक है हाँ ये हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है ना, तो उनके बीच का एंगल, अब उन्होंने ये वाला एंगल भी तो ले सकते हैं ना, ठीक है -60 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि ए और बी की पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी कुछ तो सेट हो ही नहीं रहा ना, 1/2 होगा या -1/2 होगा, एग्जैक्टली तो आंसर ये होगा, सॉल्यूशन का तरीका वही सही है जो अभी हमने करवाया। ठीक है, अब देखो वेक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें। काइनेमेटिक्स में आ जाएगा, ठीक है, हर जगह आपको यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट में देखो एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, काइनेमेटिक्स की आपने अभी तक बुकलेट तो नहीं दी बेटा, आ जाएगी बुकलेट एक दिन में, ठीक है, बन गई है आपको सॉफ्ट कॉपी में, तो आपको मिल जाएगी एक आध दिन में ही। ठीक है, बस ये टेस्ट पेपर हो जाए, आपके टेस्ट पेपर के लिए थोड़ा सा रुका हुआ है, परसों टेस्ट है ना, तो उसकी प्रिंटिंग चल रही है। सर मेरी बिल्कुल अच्छी तैयारी नहीं है फर्स्ट पेपर की। ठीक है, क्या बोल रहे हो, इस बार सर मेरी अच्छी तैयारी नहीं है इस वाले पेपर वाले पेपर की। देखो ऐसा नहीं होता है कि अच्छी तैयारी है नहीं है, एक दिन में कोई चीज फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक दिन से कोई आप टॉप भी नहीं कर सकते, और एक दिन में ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपकी डेली की उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो अब देखो एक क्वेश्चन में बताता हूँ, आपका लॉस ऑफ मोशन में है। ठीक है, तो लॉस ऑफ मोशन के देखो कुछ क्वेश्चन हम अभी ही सॉल्व कर लेंगे, है ना सर। सर जूम बहुत ज्यादा है आपका, एक मिनट बेटा, वो तो अरे हो जाएगा यार, वो चीज मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी, दूसरी चीज शेयर कर रहा हूँ, ज़ूम की वजह से ज़ूम हुआ है। तो वेक्टर इसीलिए हमने बस इतना ही पढ़ाया जितना हमें यूज आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने वो चीज यूज नहीं किया है। ठीक है, ओके सर, परपेंडिकुलर देखना होगा, सर्कुलर मोशन में भी। लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, जिसमें वेक्टर आपका अच्छा खासा यूज होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूँ, मतलब हालत खराब कर दी, नहीं ऐसा नहीं, बस वेक्टर आपको आना चाहिए, वेक्टर कहाँ यूज हो सकता है वो चीज आपको समझ में आएगी कि वेक्टर का क्या रोल है। ठीक है,
सर एक बात बोलूं? हाँ अब ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ये वाला करो। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं सर ये कह रहा था कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और जो सर मैग्नेटिज्म है वो ज्यादा स्कोर अप कर सकता है तो वो ज्यादा जल्दी हो सकता है क्या पहले? पहले नहीं बेटा हो जाएगा पहले नहीं हो जाएगा उसमें वैसे भी वेक्टर की कुछ जरूरत तो पड़ेगी क्वेश्चन में। चलो ये वाला करो तुम थर्ड वाला। अब आपको वेक्टर यूज होगा ठीक है वेक्टर यूज करो इसमें। सर ये बॉक्स मूव कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता। देखो क्वेश्चन ये है बस तुम सॉल्व करो मुझे कुछ नहीं पता। भाई एक्सेलरेशन है ना बेटा उसमें एक्सेलरेशन है तो मूव तो कर ही रहा होगा। फोर्स लग ही रही है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होके जीरो है। आया क्वेश्चन समझ में? Yes, sir, समझ। वो तो आया बहुत इजी क्वेश्चन है। दिमाग नहीं लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा गर्ल्स कोई है यहाँ पे? Yes, sir। तुम भी कुछ आंसर करो। माइनस का 32 आई कैप माइनस 12 रूट 3 जे। गुड गुड गुड। देखो बेटा हमें कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला पता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? यस सर। होता है नहीं होता है? होता है, है? ये किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था है ना। चलो एक्सेलरेशन हम निकालें तो ये वाला एक्सिस है। देखो ये वाला एंगल कितना है? देखो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ ऐसा एक्सेलरेशन है ना। ये वाला एक्सिस है तो ये वाला एंगल कितना है? 30। तो जिस एक्सिस के साइड एंगल पता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। कॉस कंपोनेंट लिख सकता हूँ 12 कॉस 30 और इस साइड कितना होगा? साइन साइन 30। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2? नो सर 1/2 नहीं रूट रूट 3/2 होती है ना। चेक कर रहा था मैं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6√3 और ये कितना हो जाएगा? 6। तो इस एक्सेलरेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 6 आई कैप माइनस 6√3 जे कैप। लिख सकता हूँ? हाँ सर। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते? लिख सकते। तो मास हमें दिया है कितना? 2 और एक्सेलरेशन हमें दिया है माइनस 6 आई कैप माइनस 6√3 जे कैप। क्लियर है? और नेट फोर्स कितना है? एक ये वाला फोर्स से कितना है? 20i प्लस कोई अननोन फोर्स बोल दिया हमने F। तो अननोन F फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हो। निकालो कितना आएगा? Excuse me, sir. सर वही आ रही है माइनस 32 आई कैप और आपने माइनस 12√3 जे कैप। 6√2 की जगह सर आपको 6√3 लिखना था। अच्छा 6√3 हाँ ठीक है वही करती यार। आ गई बात समझ में? तो वेक्टर का यूज समझ आ गई। हाँ सर ठीक है वेक्टर का यूज समझ में आ गया ना। तो मैं सही से क्वेश्चन नहीं समझ पाया था। अब समझ गए? जो आपके यूज होंगे ठीक है जिसमें आपको वेक्टर लग रहा है। यहाँ पे आपका लॉज ऑफ मोशन लगभग लगभग ऐसा नहीं हो जाए खत्म ही हो जाए ना। सर ये वाली हमारी मॉड्यूल है आपकी पर्सनल बुक है? यही वाली मिलेगी आपको वही मिलेगी ठीक है।
सब इधर उधर से उठा के डाले हैं। सिग्मा भी सीखना पड़ेगा क्या? ठीक है क्या? देखो सिग्मा भी सीखना पड़ेगा क्या? सिग्मा सिग्मा क्या होता है सर? वही जो जो नेट टोटल निकालता है ये रहता नहीं। अब सिग्मा मतलब सबको ऐड कर दो बस, ऐड कर देना वही नेट टोटल। हाँ हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है ये वाला करो, वेक्टर का यूज है इसमें। आपको टेंशन निकालना है, रस्सी में क्या निकालना है? टेंशन। तो इसे देख के मुझे हो गई। सॉल्यूशन दिख रहा है? यस सर, बस उसका कोई यूज नहीं है। दिख रहा है तो बंद करते हैं। क्वेश्चन तो पहले बड़े सर दिख रहा था लेकिन समझ में नहीं आया। हाँ सर बस यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तेरी तो ये प्रॉब्लम होते है शर्मा। अच्छा गर्ल्स कोई आंसर करेगी? देखो IJSU में कोई क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, समझना ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू सॉल्व करना। ठीक है तो क्वेश्चन को समझने पे फोकस किया करो। कुछ नहीं समझ में आया तो अपन क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। फ्री बॉडी डायग्राम इस वाले पॉइंट का, ए वाले पॉइंट का डायग्राम बना लिया। अच्छा नीचे 10 kg है तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? 100 न्यूटन। इधर फोर्स कितना लग रहा है? T1। और ऊपर फोर्स लग रहा है कितना? T2। कोई समस्या है? है ना, समस्या तो नहीं है ना, बता देना एग्जॉस्ट हो तो। चलो ये हमने थोड़ा सा डायग्राम बना लिया, एक्सिस बना लिया। ये एंगल थीटा है तो देखो ऊपर वाला ये होगा T2 cos 30 होगा, और ये वाला कौन सा होगा? T2 sin 30। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? ये पॉइंट मूव कर रहा है? नो सर, सर इसमें लिखा तो है सर इक्विलिब्रियम। मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। हाँ सर नेट फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी नेट फोर्स जीरो होगा और वर्टिकल का डायरेक्शन भी नेट फोर्स जीरो होगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल में भी लिख सकता हूँ T1 किसके होगा? T2 sin θ के 30 के होगा कि नहीं होगा? हाँ। और वर्टिकल के लिए मैं लिख सकता हूं कि T2 100 newton cos 30 किसके इक्वल होगा? 100 न्यूटन के इक्वल होगा। यस सर। यस सर। अब देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3/2। तो T2 आपका कितना आ गया सर? वो उधर जाके 200/√3 आ गया T2। T2 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो T1 कितना आएगा सर? 100√3 सर। 100√3। तो T1 कितना आ गया? 100√3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं सर। बस मैं एक बात पूछूं? हमने इस वाले डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस वाले पॉइंट का है ना, तो इस वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इस पे एक फोर्स लग रहा है T2 और एक साइड लग रहा है 100 newton और एक साइड लग रहा है T1। तो अब हमने इसको इक्विलिब्रियम देखना है तो T2 के हमने कंपोनेंट्स ले लिए। T2 के हमने क्या ले लिए? कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 30, तो ये वाला हो जाएगा T2 cos 30, ये हो जाएगा T2 sin 30। अब ये इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला भी जीरो होगा, वर्टिकल वाला भी जीरो होगा, तो हॉरिजॉन्टल वाले को भी जीरो इक्वल कर दिया, वर्टिकल वाले को इक्वल कर दिया, यहाँ से वैल्यू निकाल करके इधर पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? सर आंसर 100/√3 आएगा ना? हाँ हाँ सर वही। तो तुमको दिख नहीं रहा है, वो हल्का सा बाई है वहां पे। ठीक है चलो अब बी वाले को ड्रॉ करते हैं, बी वाले को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ये हमारे एक्सिस हमने बना लिए। ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल पे T4। ये वाला कितने एंगल पे होगा? ये वाला भी 60 पे होगा। कितना होगा?
60 पे, क्योंकि देखो ये भी 30 है तो ये कितना होगा बेटा? यस सर 60. तो ये हो गया टी टू, ये हो गया टी फोर, और इधर कौन सा रहेगा? टी थ्री. इसको भी रिजोल्व कर सकती हो? यस सर. ठीक है, तो देखो इस वाली डायरेक्शन में देखें, ये वाला एंगल कितना है? 60 है. तो ऊपर कितना आएगा? टी फोर कॉस 60, और इधर आएगा टी फोर साइन 60. इसके देखो दो कंपोनेंट, नीचे कौन सा आएगा? टी टू साइन 60, और इधर आएगा टी टू कॉस 60. ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल को इक्वल कर लो, वर्टिकल को इक्वल कर लो. वर्टिकल को इक्वल करेंगे तो टी फोर कॉस 60 इक्वल्स टू आएगा टी टू साइन 60. ठीक है, टी टू की वैल्यू उठा करके इधर रख दोगे. ठीक है, टी टू की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दोगे तो आपका टी फोर आ जाएगा. यस सर. टी फोर निकाल लेना. और इस इक्वेशन को इक्वेट कैसे करोगे बेटा हॉरिजॉन्टल में? तो हॉरिजॉन्टल में देखो टी थ्री प्लस टी टू कॉस 60 किसके इक्वल आएगा? टी फोर साइन 60 के, है ना? सर आपस में परेशान कर, 200 आए, जितना भी आए सॉल्व कर लेना. ठीक है, ओके सर. आया वेक्टर का यूज समझ में? हाँ सर. हाँ सर. ट्रिग्नोमेट्री टेंशन को निकालते हैं, पर ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक. तो बस एक एक को सॉल्व करते जाओ, निकालते जाओ. क्लियर है? ओके सर. यस सर. बट एग्जाम में टाइम की शॉर्टेज नहीं होगी, बहुत रहेगी? नहीं होगी, आएंगे. कितनी देर मिलेगा? ठीक है, पिछली बार तो 3 मिनट में लेते एक सवाल, टू आवर्स में. इजी भी आते हैं क्वेश्चन. ठीक है, समझने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, सॉल्व करने में इतना नहीं आएगा. ये तो प्रैक्टिस के लिए, इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला अगर आ जाए ना कि क्वेश्चन का फ्रेम कैसा होगा, क्वेश्चन बन जाता है. हाँ, क्वेश्चन को मतलब समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन चेक नहीं करेंगे वहां पर. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करोगे सर? हम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए तैयार है सर. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन. नहीं भी बोलोगे करना तो है ही, करना है ही सर. नहीं करेंगे तो आप बैठे हो ना. नहीं करूंगा तो बोल दूं भाग जाओ, यहाँ क्या काम है, नहीं करना है तो. वही तो सर, आप पार्टिसिपेंट खोलोगे, ऑप्शन आएगा किक करने का, कर दोगे. बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मजेदार, मेरे को मतलब फेवरेट क्वेश्चन, सो बहुत अच्छा लॉजिक है. एक तो मतलब फिर तो सर आप दूसरा क्वेश्चन दो सर, इसका मतलब फेवरेट. फेवरेट ऐसा नहीं, उसने लॉजिक बहुत अच्छा यूज किया है जिसने भी क्वेश्चन बनाया है. तो सर आप तो फिर आप लॉजिक बता देना. 5th वाला, 20 वाला, देखो 20 वाला. ओके सर, ओके. सर फिक्स पुली सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा, आप समझा सकते हैं प्लीज? यही तो समझना है, यही तो आईजीएसओ है, प्रैक्टिस करना है ना. फिक्स पुली मतलब रुका हुआ है. फिक्स पुली मतलब पुली मूव नहीं कर रहा है, आधा घंटा दिमाग लगाना पड़ेगा. पुली थोड़ी ना मूव करता है ना, कई बार पुली ऐसा भी होता है. देखो बेटा एक पुली बताता हूँ, मूविंग पुली ऐसा होता है, वो अपने उस पे ही रोटेशन देगा, है ना. ये कुछ पुली ऐसा होता है, एक ऐसा लिया, यहाँ पे पुली लिया और इसको ऐसे मूव करा दिया, यहाँ पे दूसरा पुली लेके. ठीक है, तो ये वो जो पुली है, जैसे रस्सी खिंचाएगा ये वाला पुली भी ऊपर जाएगा. जैसे सर कुएं में लगा रहता है, ये मूविंग पुली है ना, और ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ये और ये क्या है? फिक्स पुली है ना. ये वाला क्वेश्चन करो, 20 वाला. आराम से सोचो, टाइम है अपने पास, टाइम की कमी नहीं. सर वैसे अगर हम पुली का यूज करते हैं तो क्या हमारा फोर्स बढ़ जाता है? नहीं, सिंगल पुली से सर वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने के लिए. यस सर, पर उसको तो वैसे भी नॉर्मली कर सकते. नहीं, उल्टा लटक के कर लोगे तो कर लो. चलो करो, मल्टीपल पुली से होता है बेटा, कम फोर्स लगता है मल्टीपल पुली से, सिंगल से तो उतना ही लगेगा, जो और ज्यादा लगेगा. तो पुली को घुमाने के लिए ज्यादा लगे. फ्रिक्शन भी तो होगा. यस सर. हाँ सर, हाँ सर. बहुत एक मिनट का क्वेश्चन है, एक मिनट का भी नहीं है. शायद आ रहा है, बढ़िया आ रहा है तो अच्छी बात है.
बेटा आपको निकालना है पुली पर कितना फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, पुली का फोर्स, पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखो मतलब पुली ने कितना फोर्स लगा है यही निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली, मतलब स्ट्रिंग ने पुली पर कितना फोर्स लगाया है यही चीज पूछी है। तो सुनो तो सही। अच्छा इस साइड एमजी है, इस साइड एमजी है, तो क्या मूव करेगा, नहीं करेगा? नो सर। मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? यस यस सर। तो देखो इस वाले यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, यस सर, और ऊपर लग रहा है टेंशन टी, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन टी इक्वल एमजी, मोशन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो टी इक्वल टू में एमजी लिख सकता हूँ? यस सर बिल्कुल, यस सर। तो T इक्वल टू mg। अच्छा स्ट्रिंग में कोई भी सिंगल स्ट्रिंग होता है उसमें हर जगह टेंशन सेम होता है? यस सर। तो सर यहाँ पे भी टेंशन सेम है? तो देखो हर स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। अब इसको जूम करके देखो, इसको क्या करके देखो, जूम जूम करके देखा, ठीक है ये सिचुएशन है? यस सर। तो इधर भी T लग रहा है और इधर भी टी लग रहा है, लग रहा है टी टी? यस सर। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये वाला एंगल कितने का है मुझे ये बताओ। सर ये हमारा हो जाएगा थीटा। सर 30 हो जाएगा क्योंकि ये बेटा 120 है, ये साइड इक्वल है तो ये वाला 30 होगा, ये 30 है तो ये वाला भी 30 है, यस सर, ये वाला 90 है, यस सर, टोटल 120 है, यस सर, 120 पे टीटी लगाया तो आंसर भी कितना होगा, 30 होगा, टी इक्वल टू एमजी है जी सर। देखो किसी का सही नहीं था सर, मेरा सबसे आया समझ में, लेकिन ऑप्शन ए भी एमजी ऑप्शन सी भी एमजी है सर। लास्ट का स्टेप एक बार रिपीट कर देंगे आप? देखो टी इक्वल टू एमजी है ये बात तो मानते हो आप? हाँ सर मानते हैं। मानते हो ना कि नहीं मानते? मानना पड़ेगा है ना, क्योंकि तो मानना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हम आपको पूछते हैं, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो टी इक्वल्स टू एम जी है, क्लियर है? अब किसी भी स्ट्रिंग में हमने बताया था कि टेंशन हमेशा सेम होता है, यस, तो यहाँ पे भी टी लग रहा है, यहाँ पे भी टी लग रहा है, लग रहा है। अच्छा इन दोनों, इन दोनों टी के बीच का एंगल कितना है ये वाला सर? 120 ये हो गया, 120 तो 120 पे 2t लग रहे हैं तो रिजल्टेंट भी कितना होगा? T और t इक्वल्स टू क्या है? इसका सर आंसर है a और t दोनों। हाँ ठीक है mg है। आ गई बात समझ में? तो वेक्टर ऐसे हल्का फुल्का बीच में आएगा, थोड़ा पार्ट निकली चाहिए। हाँ ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वेक्टर का, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं पे आपको जरूर घुसेगा आपके, है ना? सर इसमें सिमेट्री यूज करके भी कर सकते हैं ना? सिमेट्री कैसे यूज करोगे बेटा? सर कर तो सकते हैं क्योंकि वो 60 हमने निकाला तो, और 120 हाँ तो 120 तो निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज कर लो, क्लियर है? यस सर सिमेट्री से तो निकाला क्योंकि उसके एक साइड 60 थी और दूसरी साइड 60 तो 120 हो गया, ठीक है तैयारी करते डायरेक्टली सॉल्व कर लेते ना वही चलो। सर सर IGSO में कितनी सीट है सर MP में? तुझे उससे क्या मतलब है? सिलेक्ट हो नहीं पाते। 47 करो। ओके फिर से परेशान ये सर NTSC से पता आपको बुकलेट ना खोलने को कह दो। सर आवाज नहीं आ रही, शायद मेरा नेटवर्क गया। चुपचाप भी तो बैठा जा सकता है ना बेटा, नेटवर्क गया तो शांत भी बैठा जा सकता है ना।
जरूरी है कि नेटवर्क गया तो बताना सबको. सर यार हमें होमवर्क दो, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएं. यार एक मिनट का क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में. सर इसे ना आप होमवर्क में दे दीजिए सर, अगले क्लास में आएंगे अगर कर पाएंगे तो. अगला कुछ नहीं, अगला दूसरा मिल जाएगी ना आपको मोशन. नेक्स्ट क्लास से पहले तक मैं आपको दूसरे मोशन के वीडियो दे दूंगा, ठीक है? और मोशन के दे दूंगा तो उसके क्वेश्चन करोगे कि फिर यही करते रहोगे, वेक्टर वेक्टर खेलते रहोगे? सर इतना भी कोई अच्छी चीज नहीं है. लेकिन सर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, यूज कर. सर आपके 8 बज गए, डिनर भी नहीं किया. हाँ तू लाके दे दे टिफिन. तो सबके सबने करके बैठे हैं सर. जोमैटो कर दे सर. अभी कोई बोलेगा जोमैटो पे कैश ऑन डिलीवरी करी कर दो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ. सर अपनी कह रहा हूँ सर, कैश ऑन डिलीवरी. कैश ऑन डिलीवरी कर दो सर, मेन्यू लिख के भेज दो व्हाट्सएप, कुछ भी तुम्हारी इच्छा से. सर कोई भी कुछ कहता है तो सर भैया को बहुत खुशी होती है, उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है. देखो इधर सर, वर्चुअल भी है. एक मिनट का क्वेश्चन है यार, इधर देखो. अनचेंज वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो होगा. यस सर. ये माइनस फाइव है, ये थ्री है, तो माइनस टू होगा, तो उसको प्लस करने के लिए प्लस टू. प्लस टू वाला ये ऑप्शन है. अरे हाँ सर. कितना हो गया? 10. तो उसको जीरो करने के लिए माइनस 10 लगाना पड़ेगा. माइनस 10. ये देखो माइनस 4 और ये 3, तो कितना होगा? माइनस 1. तो उसको लगाना पड़ेगा. सर ये अच्छा नहीं था. अच्छा क्या नहीं था? बहुत अच्छा था. और कंफ्यूज हो गया उसको. ठीक है सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग. अरे बहुत अच्छा था, है ना? आ गई बात समझ में? तो वेक्टर यू कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बोला सब क्वेश्चन में वो यूज होगा. आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इसलिए तो इलेक्ट्रिसिटी में जो मूविंग वाला ही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जब चार्जेस मूव करते हैं वो ज्यादा अच्छा है, उसमें वेक्टर ही नहीं यूज होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है वो. तो अब आपको क्या करना है, अब आपका मोशन वाले मैंने डाल दिए हैं, तो मोशन नाइन्थ वालों आप लोगों ने तो मोस्टली पढ़ा हुआ है मोशन, है ना? तो उसको बस स्पीड डबल या थ्री टाइम्स करके बस एक बार ब्रीफ कर लेना, ठीक है? उसमें मोशन मतलब कौन सा वाला? अपने रेस्ट मोशन नॉर्मल वाला. इस बार तो नहीं आएगा हमारे पास, देखता है 1.5 पे, ठीक है? हाँ तो वो वाला एक बार देख लेना, ठीक है? फिर हाँ सर, टू पे कुछ ज्यादा स्पीड हो जाती है, नॉर्मली सही रहता है. मैं तो सर 1.2 पे देखता हूँ. मैं 1.5 कर लेता हूँ. यस सर, वो नॉर्मल पे रहता है. मैं 2 कर लेता हूँ. समझ नहीं आता, चक चक चक. मैं 2 कर लेता हूँ. अच्छा देखो एक और क्वेश्चन, एक और लास्ट है ना, लास्ट कर ले सर. वो हम बाकी सर. यस सर, यस सर. 18th करो सर. 18 सर. W/2 सर. ये वेलकम क्या है? वेलकम कहाँ दिखा यार सर? ऊपर वेलकम. सर वेलकम को उन्होंने W बोला. तुम्हारा ध्यान उस पे जा रहा है जो बिना काम की चीज है, जो काम का उस पे. तो सर मेरे को तो दिखा नहीं वो. बोल रहा वेलकम IGSO क्लास के लिए, आओ आओ. 2016 के बच्चों को बुला रहा है सर, हमें नहीं. सर इसका आंसर बी लग रहा है. सर करवा दो आप. नहीं सर, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली W/2 आ रहा है. नहीं नहीं नहीं, नहीं. ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इसी के साथ ही IGSO में भी आया हुआ है 2016 में. तो इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, है ना? अच्छा एक बार बताओ, हॉरिजॉन्टल फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स ही बैलेंस करता है? हाँ सर. वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेगा?
मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? हाँ सर। तो बताओ इसके mg को बैलेंस कौन करेगा, ये बताओ मुझे। सर नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल रस्सी सर w अपॉन 4। रस्सी को नॉर्मल नहीं मेजर कर पाएगी, नहीं दे पाएगी इतना, ठीक है? इतना नहीं देती, ठीक है सर? वो थोड़ा सा रस्सी का नॉर्मल फोर्स कहां से मिलेगा, ठीक है सर? मोर देन w बाय 2। तो बेटा इससे क्या होता है, कभी भी कोई रस्सी ऐसी सीधी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सीधी होगी तो उसको जो mg को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। यदि सीधी हो जाएगी तो उस mg को एंगल बनाएगी। हाँ, तो ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। तो वो रियल में कैसा होता है, थोड़ा सा शेकिंग होता है। क्या होता है सर? शेकिंग। ऐसा होगा, ठीक है सर? इसका ऑप्शन ए है ना? नहीं सुन ले यार, ऑप्शन तो सी है। जा हो गया तेरा, है ना? जाओ हो गया ना। अब देखो बेटा यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है? ये कोई पर्सन है, मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना पर्सन के, तो इसका mg है, ठीक है? अब मान लो ये वाला एंगल हम थीटा मान ले, ये वाला एंगल क्या मान लिया हमने? थीटा। तो ये वाला जो फोर्स है इसमें बोल दिया टेंशन, रस्सी में क्या आएगा? टेंशन आएगा। टेंशन, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट हो क्या होगा? टी कॉस थीटा। और ऊपर वाला कितना होगा? टी साइन थीटा। साइन थीटा इधर भी टी साइन थीटा ऊपर आएगा, मतलब मैं लिख सकता हूं टू टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, ठीक है? और एम जी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू। तो साइन, तो आपका टी इक्वल्स टू कितना आएगा? डब्ल्यू अपॉन टू साइन थीटा। अब यहां पे देखो कि साइन थीटा क्या है, बहुत कम है। थीटा का एंगल क्या है, ज्यादा है? yes, कम है sir। बहुत कम होगा। यदि थीटा कम होगा तो साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी। yes, sir। और साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, मतलब टी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। yes, sir। आंसर क्या होगा? Much more than w by 2। हाँ, इसलिए यदि सेगिंग नहीं हो रहा है, यदि आपको क्या है ना, मान लो एक कोई वायर है, एक कोई क्या है वायर, इसको यदि आपको स्ट्रेट करना है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आपको क्या लगाना पड़ता है? साइड में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी वायर को सीधा करने के लिए। इसीलिए कभी भी आप इलेक्ट्रिक पोल्स देखोगे तो उसका जो वायर होता है वो कभी सीधा नहीं होता है, क्योंकि यदि सीधा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया जीरो। तो ये वाला जीरो हो गया, तो ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो हो गई। और ये जीरो हो गया, इसका मतलब है टेंशन कितना है? इनफाइनाइट। मतलब यदि उसको ये बिल्कुल सीधा रखना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इनफाइनाइट। मतलब रियल में 100% स्ट्रेट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? रियल में 100% सीधा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि सीधा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो होना चाहिए, और साइन थीटा वैल्यू जीरो है मतलब टी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और रियल में इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या? नहीं। इसीलिए कभी भी आप इलेक्ट्रिक पोल वगैरह कोई भी लटका हुआ वायर देखोगे वो कभी 100% स्ट्रेट थियोरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इम्पॉसिबल है। इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, झुका हुआ होता है सर। ऐसे तो जमीन भी झुकनी चाहिए जो हमारी घर की छत होती है। सर घर की छत, इसीलिए हम उसमें कितने सारे, जैसे आपको क्या होता है, कभी भी यदि हमें डालना है बीम कॉलम, है ना, तो छत पे हम यदि ऐसे तो डायरेक्ट छत नहीं डालते, ऐसे कॉलम भी डालते हैं, ठीक है? और इन पे लोड होता है और इसमें बहुत सारा आयरन और कंक्रीट भरते हैं, ठीक है? सर आयरन को भरते हैं कंक्रीट से जब काम होता है? आयरन तो लोड तो आयरन रोड पे होता है ना, कंक्रीट तो बस उसको बेंड नहीं होने देता। ओके सर, ठीक है, उसको बेंड नहीं होने देता आयरन, मतलब आयरन रॉड्स को बेंड नहीं होने देता। तो जो पूरा का पूरा रोड होता है, वो वेट होता है घर का, वो किस पे होता है? आयरन रॉड्स पे ही होता है। क्लियर है? तो आज के लिए काफी है सर, आप वो तो बता दो फन फैक्ट। नहीं सर, 10-12 क्वेश्चन और करा दो। सर रात के 12 बजे तक चलने दो सर, जिससे कि कल लेट ही नींद खुले। हाँ, सोने की इच्छा। एक दो बजे तक
बहाना क्यों ढूंढ रहे हो सोने का, ऐसे ही सो जाओ ज्यादा देर। सर सर मना कर, फन फैक्ट तो बता दो सर, फन फैक्ट आप बता।